जेलन अस्पताल के बाहर नर्सिंग कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की इमरजेंसी द्वार पर आज नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग कर विरोध प्रदर्शन किया नर्सिंग कर्मियों ने मांग रखी है कि सरकार जल्द उन्हें नियुक्ति प्रदान करे गौरतलब हो कि नर्सिंग कर्मी पिछले काफ़ी समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और वह मांग कर रहे हैं कि जल्द उनकी मांगें पूरी की जाए साथ ही जिला कलेक्ट्रेट पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया और जल्द मांग पूरी करने की मांग रखी है आज राजस्थान की समस्त संविधान नर्सेज जो चयनित संविधान नर्सेज उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए राजस्थान नर्सेज जिला शाखा अजमेर पूर्ण कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है और उनका समर्थन करती है साथ ही जो विभाग ने निर्देशालय ने, ने 28 अप्रैल 2020 को संविधान नर्सेज को नियमित करने के लिए जो आदेश जारी किए गए थे उस आदेश में एक घपलाबाजी की गई है उस आदेश में जो संविधान नर्सेज चयनित संविधान नर्सेज सं है उसको आज तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है ना ही उनके पदस्थापित जगहों पर भेजा गया है तो हम चाहते हैं कि जितनी भी चयनित संविदा नर्सें जो 9000 हज़ार संविदा चयनित नर्सेज हैं उनको तुरंत प्रभाव से जो कार्यक्रम की रोक है उसको हटाकर संविदा नर्सेज को जहां पर पदाप्रस्थ किया गया वहां पर भेजा जाए तथा तो जो प्रोवेशन काल है 29 अप्रैल 2020 से माना जाए अगर ऐसा नहीं करता है तो जो आंदोलन आप देख रहे हो ये आंदोलन हम नियमित भी कर सकते हैं इसलिए तुरंत प्रभाव से सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी जो मांग है वो जायज़ है और हमारी मांग को जल्दी से जल्दी पूरे की जाए गंगा जाटव जिला जिला नर्सेज भर्ती दो हजार अठारह को लेकर आज संघर्ष समिति के बैनर तले संपूर्ण राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में समय 9 से 2 9 से 11 बजे तक की गेट मीटिंग कर सामूहिक एकत्रित तो होकर राज्य सरकार तक ये संदेश देना चाहते हैं कि नर्से भर्ती 2018 जिसमें 9000 चयनित कर्मचारियों की सूची दिनांक 28 अप्रैल को जारी की गई थी उसमें कार्यरत संविदा कर्मचारियों को आज दिनांक तक नियुक्ति नहीं दी गई है जिससे राजस्थान के समस्त संविदा कर्मचारियों में रोष की स्थिति बनी हुई है मजबूरन संविदा कर्मचारियों ने आज समस्त जिला मुख्यालयों पर एवं मेडिकल कॉलेजों पर दो घंटे का कार्य ना कर कार्य बहिष्कार एवं सांकेतिक आ, संदेश राजस्थान सरकार एवं चिकित्सा मुख्य मंत्री मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है मैं मीडिया के माध्यम से चिकित्सा विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों एवं माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जी को ये कहना कहना चाहूँगा कि राजस्थान की संविदा नर्सेज ने पूरे राजस्थान में कोरोना जैसी विपरीत भिव, भिव, परिस्थितियों में अपनी जान की बाजी लगाकर अपने परिवार का त्याग कर कर संपूर्ण चिकित्सा सेवाएं दी हैं इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार को उनकी भावनाओं की कद्र नहीं है इसके विपरीत संपूर्ण राजस्थान में दूसरे अतिरिक्त हमारे साथियों को नियुक्ति दी गई हमें इस बात की खुशी है लेकिन हमने ऐसा क्या गुनाह किया है कि आज तीन महीना बीत जाने के पश्चात भी सरकार हमें नियमित नियुक्ति नहीं दी जा रही है मैं कहना चाहूँगा राजस्थान सरकार ने लगभग साढ़े तीन हज़ार पद कोर्ट के माध्यम से रिजर्व रखे उनका भी राजस्थान सरकार ने समाधान कर नियुक्ति देने का कार्यक्रम जारी कर दिया है लेकिन जो वास्तविक अधिकारित हैं जो मेरिट में अब्बल रखते हैं जो सीनेट के हिसाब से भी अब्बल हैं जो पिछले दस सालों से लगातार संविदा पर चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं उनको वर्तमान स्थितियों में नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है मैं आज इस प्रदर्शन और गेट मीटिंग के माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की नर्सेज चिकित्सालय से बाहर आ चुकी हैं और बहुत जल्द समय नहीं लगेगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी जयपुर जाने की ताकत रखते हैं आंदोलन करने की ताकत रखते हैं आप सभी संविधान को तुरंत प्रभाव से नियुक्ति देते हुए पर्वी सकाल की गणना उन्तीस उन्ती अप्रैल से करने की कृपा करें महोदय आपने हमेशा संविधान का साथ दिया है तो आज ये अग्रिम पहल करते हुए संविधान की भावनाओं की कद्र करते हुए नियुक्ति देने का कार्य करें मैं पवन कुमार मीणा प्रदेश संयोजक राजस्थान नर्स भर्ती दो संघर्ष समिति